तापीथी समाचार। 10 गामना आदिवासीओना धरना, कुकरमुंडा सेवा सदन खाते धरना पर बैठा आवास रोजगारी पाणी वीजळी मुद्दे विरोध। अगाउ मामलतदारने आप्युं हतुं आवेदनपत्र, प्रश्ननुं निराकरण ना आवता भारे रोष जोवा मळ्यो। आ तरफ गृहमंत्री अमित शाह सिलवासा पहोंच्या, विकसित भारत मोदीनी गेरंटी साथे लाभार्थी सम्मेलन, हजारो लोको अहींया उमट्या। राहुल बाबा, आपने जितना रोकना था वो रोक लिया, तिथि छोड़ो, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को मोदी जी ने कर दी। और आज रामलला अयोध्या में अपने विराट भव्य मंदिर के अंदर शान के साथ विराजमान है। मित्रों, हम 1950 से संघर्ष कर रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दें। कोई विश्वास नहीं कर रहा, कैसे होगा, कैसे होगा। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कॉज के लिए, इसी काज के लिए शहीद हो गए। और हम नारा लगाते, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 से कश्मीर को मुक्त कराकर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम। मोदी जी ने इस देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्ति के कगार पर लाने का काम कर दिया है। मोदी जी ने सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पूरा किया। पर इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहने हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विधानसभाओं में और संसद में मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 3 तलाक को समाप्त किया और देश के अंदर युग परिवर्तनकारी कई सारे लोग काम किए। मित्रों, आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। हमारे सामने 2 विकल्प है, एक और देशभक्ति से ओतप्रोत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस आपको तय करना है, देश को दुनिया के 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी का शासन चाहिए या 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस का शासन। इन लोगों का मकसद क्या है? सोनिया गांधी का मकसद है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू यादव का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई, जो अपने बेटे, भतीजे, भतीजी, दामाद के लिए काम करते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? भारत के गरीब का, भारत की जनता का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, ये जो जमघट मचा है सामने, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, परिवारवादियों का जमघट है, ये 2G 3G 4G वाले लोग है। 2G का मतलब टेलीफोन स्कैम नहीं, 2 जनरेशन की पार्टी। 3G का मतलब है 3 जनरेशन की पार्टी और 4G का मतलब है 4 पीढ़ी 4 जनरेशन वाली पार्टी, और किसी को मौका ही नहीं है। नरेंद्र मोदी एक गरीब माँ के घर पर जन्मे, चाय बेचने वाले का एक गरीब बेटा आज भारत माता को
समग्र विश्व में सम्मान दिला रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये परिवारवादी पार्टियां ये नहीं कर सकती। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जिन्होंने अपने घर भरे वो देश का काम नहीं कर सकता। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पहली बार गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का मौका दिया। मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज का पिछड़ा समाज